अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हमारे पास आपके लिए ऐसे पाकिस्तानी ड्रामे हैं जिनको देखने के बाद आप बेचैन हो जाओगे और नींद नाम की चीज आपकी आंखों से यकीनन उड़ जाएगी, क्योंकि इन ड्रामास के अंदर कुछ ऐसा है जो आपके होशोहवास खो देने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, मोहब्बत दाग की सूरत। मोहब्बत दाग की सूरत एक हार्ट टचिंग ड्रामा है। इस ड्रामे में बहुत हसास मौजू को छेड़ा गया है। एक मौजू तो निकाह के बाद और रुखसती से पहले के ताल्लुकात और फिर उसके नतीजे में पैदा होने वाले मसाइल के बारे में खुलकर बात की गई है, लेकिन इस तरह के बात भी आगे पहुँचा दी लेकिन कोई बेहुदा सीन नहीं बनने दिया। दूसरा मौजू इससे भी ज्यादा हसास और सुलगता हुआ है, वो ये कि औलाद ना होने की जिम्मेदार सिर्फ औरत ही नहीं होती बल्कि इस जिम्मेदारी में मर्द भी बराबर का शरीक होता है। इब्तदाई सीन्स बहुत ही मुतासिर गुन थे, फिर बेवा बहन का भाई के घर का सफर। ये बात खुशायन थी कि भाई भावच तो बहुत अच्छे थे लेकिन उनका भतीजा बहुत गर्म दिमाग का था। जिब्रान ने अदाकारी तो बहुत अच्छी की है लेकिन अब जिब्रान पर एक जैसे रोल करने की छाप लग गई है। अब जिब्रान को एक जैसे रोल करके खुद को जाया नहीं करना चाहिए। नंबर 9, ताना बाना। ड्रामा सीरियल ताना बाना ऐसा सीरियल है जो एक बड़ी तादाद में देखा गया। ड्रामे की कहानी में आप हीरो हीरोइन के दरमियान लव हेट रिलेशन देखोगे। ड्रामे में आपको बहुत से रोमांटिक इंसिडेंट्स मिलेंगे, खास तौर पर जिस तरह रिश्ते के लिए हाँ होती है और फिर दुल्हन अपने फरमाइशों की लिस्ट ले आती है। ताना बाना की हिदायतकारी सैफ हसन ने की थी और इसे बासलाहियत हसन इमाम ने लिखा था। ड्रामा सीरियल की कास्ट में अलीजे शाह और दानिया जफर मरकजी किरदारों में शामिल थे। कहानी दो नौ उम्रों जोया, अलीजे शाह और जैन यानी दानिया जफर पर मरकूज है, जो शादी के बंधन में फंस जाते हैं और एक दूसरे के साथ शराइत की टर्म्स पर रिश्ता रखना चाहते हैं। नंबर 8, यकीन का सफर। ड्रामा सीरियल यकीन का सफर यूट्यूब पर देखा जाने वाला एक बेहतरीन सीरियल है। अहद रजामीर और सजल अली इसमें शानदार नजर आए थे। हर मोमेंट जज्बात को बासलाहियत अदाकारों ने इतनी खूबसूरती से बयान किया है कि आपको एक सेकंड के लिए भी बोरियत महसूस नहीं होगी। इसके किरदार जिंदगी के हैरतअंगेज सबक देते हैं। डॉक्टर इस्फंदियार आपको ये एहसास दिलाएंगे कि किस तरह आपके जाती मसाइल को आपके फराइज में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये एक जबरदस्त ड्रामा है, इसे जरूर देखें। कहानी तीन औरतों तीन मुख्तलिफ सकाफतों के गिर्द घूमती है, जिसमें चंद अफराद जो सकाफती तौर पर मुख्तलिफ हैं उन्हें मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसमें जिनसी हरासानी, रेप, सियासी दबाव और नाइंसाफी पर और जहालत है। नंबर 7, फितूर। ड्रामा सीरियल फितूर जियो टीवी का एक रोमांटिक ड्रामा है जिसमें है दिलनशीन का अफेयर। अफेयर से वह मुश्किल खुद को निकाल कर शादी को कबूल करना, शादी को बचाने और निभाने की सर तोड़ और पुरखलूस कोशिशें। मुसलसल ताबड़तोड़ मुखालिफ हमलों की वजह से तंग आकर मायूसी और जिद में अफेयर की तरफ वापस लौटना और मुख्तलिफ एहसासात में घिर कर फिर से बेजारी और कश्मकश। एक लड़की के जज्बात और इनसे पैदा होने वाली मुश्किलात को इससे बेहतर बयान नहीं किया जा सकता था। व्यूवर्स को दिलनशीन से हमदर्दी है क्योंकि उसे सब ने अकेला कर दिया था। ऐसी लड़की को जो समझ में आएगा वही करेगी ना, वो गलत कर रही है मगर फितरी रद्दअमल है, कोई भी तो उसका भरोसा नहीं करता, उसे गाइड नहीं करता। मोहब्बत में जज्बातीय ड्रामे का खास हिस्सा है लेकिन ये ड्रामा मेगा हिट साबित हुआ। नंबर 6, आंगन। ड्रामा सीरियल आंगन एक अमेजिंग तारीखी सीरियल है। ड्रामा सीरियल आंगन 1940 की दहाई में उत्तर प्रदेश में मुकीम एक ऐसे खानदान की कहानी है जिसे वक्त ने तकसीम हिंद से कबल ही तकसीम करके रख दिया। इस ड्रामा सीरियल की कहानी मरूफ नावल निगार खदीजा मस्तूर के नावल आंगन से माखूज है, जिसे टेलीविजन के लिए मुस्तफ़ा अफरीदी ने तहरीर किया है। इस ड्रामे की कहानी मुजफ्फर अली खान के खानदान की खुशहाली से बदहाली की जानिब सफर की अनोखी दास्तान है, जहां गलत फैसलों, जाती तजादात, बदलती हुई सामाजिक दार, सियासी नजरियात इस खानदान के बीच में दरार का सबब बन जाते हैं। इस ड्रामे की हिदायत मोहम्मद एहतशामुद्दीन की है। ड्रामे के नुमाया सितारों में आबिद अली, एहसन खान, मावरा हुसैन, सजल अली, अहद रजामीर और सोनिया हुसैन शामिल है। नंबर 5, राज़े उल्फत। जियो टीवी पर ड्रामा सीरियल राज़े उल्फत दिखाया गया जो कि ब्लॉकबस्टर सीरियल था। इस ड्रामे के मुसन्निफ माहा मलिक हैं और डायरेक्टर सराजुल हक हैं।
इसकी कहानी में यमुना जैदी एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखती हैं जिसमें उनके वालिद का अपनी बेटी के साथ रवैया बहुत सख्त है। यमुना के साथ इसमें शहजाद शेख भी अहम किरदार निभा रहे हैं। ड्रामे की पहली ही किस्त ने नाजरीन की भरपूर तवज्जो हासिल की और अवाम की बड़ी तादाद इस सीरियल की कहानी में पूरी तरह डूबी रही। सीरियल की मरकजी किरदार मुश्क की जिंदगी ऐसी आजमाइशों से गुजरी कि नाजरीन की हमदर्दियां भी उसके साथ बढ़ने लगी। दूसरी तरफ तकदीर ने जब सहबा की साजिशों से पर्दा हटाया तो मुश्क ने अपने सब्र और हौसले का सिला पाया। नंबर 4, दुश्मन जान। ड्रामा सीरियल दुश्मन जान, जिसे देखकर हर कोई चौंक जाएगा। इस सीरियल का डोमिनेटिंग हीरो आपको शॉक कर देगा। ड्रामे की कहानी सरवत नजीर ने तहरीर की है। प्रोड्यूसर हुमायूं सईद और शहजाद नसीब, जबकि कास्ट में मोहब मिर्जा, तूबा सिद्दीकी, मदीहा इमाम, इरफान खुसर्ड, साइमा सलीम, सोफिया, मिर्जा काशिफ, महमूद इमरान, फरा तफेल, मोहम्मद अली ताहिर और सबा हमीद शामिल हैं। ड्रामे की कहानी एक ऐसे शख्स के गिर्द घूमती है जिसने अपने गुस्से और गुरूर की वजह से ऐसी नाकाबिले तलाफी गलती कर दी जिसने कई अफराद की जिंदगियां तबाह करके रख दी। ये किरदार हातिम मोहब मिर्जा ने अदा किया है, जो सबा हमीद और इमरान पीरजादा का इकलौता बेटा है। हातिम बचपन में वालिदैन की अतम तौजही का शिकार होने से नहायत जिद्दी, मगरूर और खुदसर हो जाता है और वालिदैन को अपना दुश्मन समझने लगता है। नंबर 3, इब्ने हवा। इब्ने हवा हम टीवी का हार्ट टचिंग सीरियल है जिसका हाल ही में इख्तिताम हुआ है। इसमें हवा के बेटे मौजूए बहस है। ड्रामा बदगुमानी के इस हसास मौजू पर है जिसकी वजह से बसाओकात गंभीर मसाइल जन्म लेते हैं। ड्रामे की कहानी धोखा दही, नफरत और मायूसी जैसे जज्बात का अहाता करती है। मर्दों के इस मौसम में एक औरत की जदोजहद और इस जदोजहद के दौरान उसके अपने ही प्यारों की तरफ से उसकी वफादारी और दयानतदारी पर उठाए जाने वाले सवालात इस ड्रामे का मौजू है। इस सीरियल में इस नुक्ते को भी वाजे किया गया है कि हमारे मुआशरे में मर्दों को बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि औरत कमतर है और बचपन में दिया जाने वाला ये सबक अमली जिंदगियों पर कितने गहरे और मजम्मर असरात मुरतब करता है। नंबर 2, हब्स। हब्स एक इमोशनल ड्रामा सीरियल है। इस ड्रामे की कहानी फिरोज खान की गिर घूमती है जो अपनी बीवी आयशा यानी इश्ना शाह को अपनी पर्सनल असिस्टेंट की जॉब देते हैं और दोनों घरेलू मजबूरी के तहत शादी करते हैं। हब्स ड्रामे की कहानी आलिया मखदूम ने लिखी है जबकि हिदायतकार मुसद्दिक मालिक हैं। इसके अलावा ड्रामा हुमायूं सईद और शहजाद नसीब ने प्रोड्यूस किया है। ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल की रेटिंग 9.5 मिलियन है। फिरोज खान और रिश्ता शाह के ड्रामा सीरियल हब्स में उनकी कड़कदार केमिस्ट्री और अदाकारों ने मदाहों के दिल जीत लिए। फिरोज खान को अपनी अदाकारी के लिए खूब सराहा जाता है। फिरोज खान को ड्रामा सीरियल खानी से शोहरत हासिल हुई जिसमें उनके साथ सना चौधरी ने अदाकारी की। ARY डिजिटल के ड्रामा सीरियल हब्स में फिरोज खान और अदाकारा उश्ना शाह की जोड़ी ने मदाहों को अपनी तरफ मतवज्जो कर लिया। नंबर 1, मेरे हमसफर। ड्रामा सीरियल मेरे हमसफर इस साल का बड़ा सीरियल है। इसमें आप हाला को देखेंगे जो एक जज्बाती लड़की है। ये कहना गलत ना होगा कि ये हानिया आमिर और फरहान सिंह की स्टार पावर ही थी जिसकी वजह से लोग इस ड्रामे से बंधे रहे और बाद में दोनों के शानदार काम की वजह से ये ड्रामा मकबूलियत की बुलंदियों तक पहुँचा। पाकिस्तानी ड्रामों में आमतौर पर बेबस और लाचार लड़की का कोई ना कोई किरदार तो कहानी का हिस्सा होता है। गुलकार और अदाकार फरहान सईद ने इस ड्रामे में हाला के शौहर हमजा का मरकजी किरदार निभाया है, जो ना सिर्फ हाला से शादी और मोहब्बत करते हैं बल्कि उन्हें घर के देगर लोगों के जुल्म ज्यादती से भी बचाते हैं। इस पूरे ड्रामे में हमजा का किरदार एक आइडियल है और यही वजह है कि हाला और हमजा की जोड़ी खवातीन में बेहद मकबूल भी हुई। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।